बाजार में व्यू बताएं, बट बैंक निफ्टी पीएसयू बैंक्स पर्टिकुलर तो स्पेसिफिकली एसबीआई की जो ऑब्जर्वेशन है, तो एक मैथमेटिकल रूल होता है इसमें कि जब स्टॉक वन ईयर के बाद में जब नया है बनाता है, तब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 12 या 15% का एक फर्दर अपमूव आता है स्टॉक्स में। तो अगर हम 580 को बेंचमार्क रखे एक ब्रेकआउट लेवल पे, तो वहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट यहाँ से 12 से 15% और चलना चाहिए एसबीआई। लास्ट टाइम ये भाव जब था ना, तो 100 में से 99 लोग पॉजिटिव हो गए थे इसमें। तो इसने कहा ये लो सबके घर में माल और साइडवेज स्टॉक, एक साल रुलाया सबको, उतारा माल फिर वापस चलना चालू। और अभी और फिर एक साल जो रुलाया ना उसमें वो तीन बार रुलाया क्योंकि मैंने जो चार्ट लिखाया है उसमें ये नवंबर में 21 के अंदर, फिर उसके बाद फरवरी में रुलाया कि मैं पार हो रहा हूँ, अगस्त में पार हो रहा कि मैं पार हो रहा हूँ, फिर नीचे आ गया। फाइनली इस बार चौथी बार का अटेम्प्ट जो है इसका पार हो। अच्छा डिम्पी भाई दे मैसेज चेक कर लीजिएगा, मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं और वापस चले गए पहुंच गए इस बार। अब ये नहीं, लेकिन वो पुरानी मैसेज हो गई ना 4 घंटे पहले की। अच्छा वो वहां से काम करना शुरू करेंगे। नुरेश भी आ गए। नुरेश, मानसी से ये बात हो रही थी कि बाजार छुट्टी के मूड में, आपके चार्ट्स छुट्टी के मूड में है या आप तो कह रहे थे अब साइड मार्केट में एक्शन हुआ, देखिए कितनी मौज मस्ती हो रही है साइड मार्केट में। सो अगर हम देखें हेवीज के अलावा, हेवी स्टॉक्स जो है, जो हम ऋतिक कहते हैं, उसमें से सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक ही है जो ऑल टाइम हाई पे है और बाकी सब स्टॉक साइडवेज है। सो मानना यही है कि साइड जो बाकी स्टॉक्स है वो इंटरेस्टिंग है, जैसे रिलायंस इंटरेस्टिंग ना हो, एचडीएफसी ना हो, बट एसबीआई इंटरेस्टिंग है, एक्सिस इंटरेस्टिंग है। सो ओवरऑल हेवीवेट छोड़ के बाकी काफी स्टॉक स्पेसिफिक प्राइस एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। सो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, मोमेंटम ग्रेट नहीं है इंडेक्स में क्योंकि काफी हेवीवेट्स जो मैं नाम ले रहा हूँ ऑलमोस्ट 40% ऑफ द इंडेक्स है जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है नहीं। सो ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक जैसे अगर देखे तो बैंक्स अभी भी अच्छे लगते हैं, बट बैंक्स के बाद अभी हम फाइनेंशियल्स पे भी फोकस करना चाहिए जहां पे हाउसिंग फाइनेंस है, छोटे एनबीएफसीज है। सो मेरा मानना यह है कि नेक्स्ट मोमेंटम वहां पे आ सकता है। बैंक्स पर तो आप अपनी राय दे ही रहे हैं, लेकिन नुरेश फिर ट्रेडिंग कॉल्स कौन से होंगे, स्टॉक्स कौन से होंगे, इस वक्त आप सुझाएंगे? तो सबसे पहले बाय रहेगा एलआईसी हाउसिंग पर जहां पे एक ट्रायंगल ब्रेकआउट हो रहा है 420 के ऊपर। इसका मिनिमम टारगेट होगा 460, शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस होगा 410। दूसरा बाय होगा भारत फोर्ज पर जहां पे जो 800 रुपए का एक रेजिस्टेंस था जहां से हर बार सेलिंग आती थी लास्ट कुछ महीनों से, आज वो अच्छे से उसके ऊपर क्रॉस हो गया, यहां पे स्टॉप लॉस होगा 790, टारगेट होगा 870।